उर्फी ने क्यों मोनू को दिया लेक्चर? मैं ना तुम्हारी बहन हूँ ना तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ। इनसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं आप दोनों से बात करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। जी जी जी। तो ये ना मेरी मिमिक्री करते हैं, मैंने अपनी स्टोरीज पे भी इनके वीडियोस डाले हुए हैं। Okay. मैं सपोर्ट करती थी, पर इन्होंने क्या किया, कुछ पैप पैप इनके पास गए होंगे तो ये बोलते हैं कि उर्फी के तो इतने छोटे हैं और तब भी वो दिखाती रहती हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो ये मोनू मुझे उधार देंगे कपड़े खरीदने के लिए, है ना? मोनू के मैं -2 कर रही हूँ। Never meet your idol की कहावत आज मोनू के लिए सच साबित होती दिखी। उनके आइडल की कन्फ्रंटेशन से हमेशा खुश रहने वाले मोनू हो गए दुखी। मुझे आस पूरा सरे आम, मुझे सबका सामने में मुझे बहुत कुछ बोला उर्फी ने, ये नहीं होता है यहाँ पे। वो मेरा हवस निकाल दिया सबका सामने में, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। आईक्यू चैलेंज कार्ड में हर टीम के एक प्लेयर को मिलती है अपॉर्चुनिटी कि वो दूसरी कोई भी टीम के एक प्लेयर को गेम प्ले में चैलेंज कर सकते हैं। 500K रंबल्स होंगे स्टेक पर, जो हारेगा उसको करना पड़ेगा ये रंबल्स विनर के किटी में ट्रांसफर। 3-1 से जीत कर केओ क्रैकन्स बने आज के विनर, और हमारे प्लेयर ऑफ द डे थे ध्रुव सांगवान। सांगवान अपनी बात कर रहा हूँ, तेरी बात नहीं चल रही थी। एवरीथिंग इज नॉट ऑलवेज अबाउट यू। सांगवान वाज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ दैट उसने ये चीज किया। मैं नहीं बोल रही भाई, समझा? मैंने नहीं बोला, मैंने अपना बताया यार। मैंने बताया क्योंकि आई एम प्राउड ऑफ इट। अगर सामने वाला बंदा मेरे को मुंह पे आके बोल रहा है दिस इज अनफेयर फॉर अस, तो मैं क्या बोलूं? नहीं नहीं भाई, हम क्या अनफेयर तुम लोग के लिए भाई, उसका तो हार्ट टूट गया। मैं बोलूंगा जो फैक्ट है वो है। पिन पॉइंटिंग, अरे दो मिनट, वो दे आर डूइंग इट एनीवेज। आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट। So you don't hype up people. I am not hyping up anyone. जब तेरे को pain था, कल मैं तेरे को बैठ के खाना देने लेके आया, तेरे को मैं सब चीज दे रहा हूँ। Don't tell. Whatever is possible, I am helping you out. I am not hyping up things. गुरलीन से बात करे। तो तेरे से बात नहीं, वही बात है ना, तेरे पीठ पीछे बोल रहा है तो मैं क्या करूँ? It is for our team. It is advantage. ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। टोस्ट एक बार फिर से डाउन किए जाएंगे अपने पहले किल की तलाश में, उतने ही किसी काम के नहीं जितने मोनू। पता नहीं रेबल भी सोच रहे होंगे यार ये क्या हो गया, पहले मैं एक खिलाड़ी को लेके जा रहा था, अभी दो दो खिलाड़ियों को यहाँ पे लेके जाना पड़ रहा है। बट केओ क्रैकन्स अभी भी आपको आगे दिखाई देगी, 45 का आंकड़ा वो छू चुके हैं। वहीं पे सांगवान की बात करें तो आज का दिन जिस तरीके से ये खिलाड़ी खेला है वहां पे टोस्टी का एक ग्रेनेड जाता हुआ, तानिया डाउन भले ही की गई हो बट अभी भी सांगवान खिलाड़ी को खोज रहे। 51 का स्कोर हो चुका है 75 के बाद, वो जो स्विच है वो हमें देखने को मिलने वाला। बट तानिया ने वहां पर रेबल को जरूर डाउन किया, मोनू को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया। तानिया कोशिश करेंगे कि वहां पे जो पॉइंट उसे लिया जाए। टोस्टी के जस्ट सामने से तानिया निकल गई, बट तानिया अभी भी नीचे मौजूद है, टोस्टी ने अभी तक उनको देखा नहीं। बट टोस्टी के लिए खराब सिचुएशन हो सकती है क्योंकि तानिया उनके बहुत क्लोज, जी नहीं वो यहां से जा चुके हैं। Amazon शॉपिंग ऐप में मिनी डिप पे क्लिक करें और हमारा शो प्लेग्राउंड सीजन 2 देखिए फ्री में।